पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। लगेगा आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए, पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है। वो पाकिस्तान का जो अम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलम बरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब बाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है, अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती, वहीं पड़ोस। उन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको, कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में। कोई तुम एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा, जिसने चल के मक्का मुकर्रमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है? कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। दुनिया की अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे, हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, तुर्की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शहाब चतुर साहब, जिन्होंने इस साल इरादा किया है कि वो पैदल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाएंगे भारत से, और भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा हज यात्री है जो भारत से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं। पिछले 123 दिनों से ये सफ़र पर हैं और अब तक 3000 किलोमीटर पैदल सफ़र जो है वो कर चुके हैं। कुल इन्होंने 8500 किलोमीटर सफ़र जो है पैदल वो करना है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पहले तो अपील है भारत के सभी लोगों के लिए भी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कि शहाब चतुर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की तो पिछले 10-15 दिन से, क्योंकि जो यूट्यूबर्स उनके साथ चल रहे हैं उनको पूरी मालूमात नहीं है, वो अलग अलग वजह लोगों को, पूरी दुनिया में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो रोज़ाना शहाब चतुर की यात्रा की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पूरी अपडेट जा नहीं रही है। उसकी वजह ये है कि जो यूट्यूब में लोग काम कर रहे हैं चैनल्स में, उन बेचारों के पास मालूमात पूरी नहीं है। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकर्रमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक, मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के,
और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शाहब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो डिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब बाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है, अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका, अब हमें ये पता कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा, वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेके मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान, जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं, हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकर्मा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते, तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए, पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी सरकार को भी, कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की सरकार को भी और वहाँ के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुँच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त तो ज़िल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीज़ा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीज़ा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहाँ से मक्का जाने का वीज़ा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते, मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक़े रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काय की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन से मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार हैं कि ये बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है।
हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है पहली दफ़ा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए, क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे, हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहाँ सबकी बात की है, जहाँ आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुँचा है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं, चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश है और पड़ोसी मुल्क के जो अवाम है उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे बददियानत हुक्मरानों के यार पीछे लगे हुए हो जो एक मुसलमान को वीज़ा नहीं देना चाहते पाकिस्तान जाने का। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शहाब चतुर को पाकिस्तान अम्बेसी वीज़ा नहीं देती तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके लेह लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये सफ़र जहाँ 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहाँ 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है। और मैंने शहाब चतुर से जब जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूँ और पाकिस्तान अम्बेसी को भी बता दूँ कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते, उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, उनको पता था कि पाकिस्तान सरकार बार बार, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ इन्होंने वादा किया केरला से चलते हुए, शहाब चतुर के साथ सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ हवाई बातें नहीं हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शहाब भाई के पास अम्बेसी की, जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहा गया कि आप जब वाघा पहुंचने वाले होंगे आपको वीज़ा दे देंगे, कहता अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब नखरे कर रहे हैं, ये कागज़ ले आओ वो कागज़ ले आओ, इससे लिखवा लो उससे लिखवा लो, तुम्हारा मुल्क है तुमने गुजरने की इजाज़त देनी है, हम किससे लिखवा लें भाई, हम किसके पास चले जाएँ लिखवाने के लिए? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत के अंदर बददियानती आ गई है, आपकी नीयत में बददियानती आ गई है। मैं वहाँ के अवाम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी हुकूमत जो एक आदमी को वीज़ा नहीं देना चाहती बस ये गुनाह है कि वो भारत के अंदर पैदा हुआ है। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात शहाब भाई ने कही, तो जब मैंने उनको कहा कि अगर पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया या हम लोगों को बड़ा टाइम लग गया तो फिर क्या होगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएँ मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊँगा। ये बात मैं पाकिस्तान अम्बेसी को कहना चाहता हूँ कि तुम जितनी मर्ज़ी देर करवा दो, और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान अम्बेसी अभी तक, दिल्ली में धक्के खा रहा है शहाब भाई के जो भाई हैं, रोज़ाना अम्बेसी के धक्के खा रहे हैं पाकिस्तान अम्बेसी के, उस अम्बेसी के जो ये शोर मचाती है कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं, जी हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए, उनके दरवाजे पर रोज़ धक्के खा रहे हैं वहाँ रोज़ाना, कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज़ लिखवा लो वो कागज़, बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान अम्बेसी का कारनामा, वहाँ के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल, तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग पैदल के लिए जाते हैं, रशिया से लोग पैदल हज पे पहुँचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुँचे, कितनी और रियासतें हैं तजाकिस्तान के अज़बकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुँचे, किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है? मैं पिछले 15-20 दिन से ये तमाशा देख रहा हूँ इनका, पाकिस्तान सरकार का और वहाँ की अम्बेसी का तमाशा पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं,
रोज वो मुझे कह रहे हैं कि इमाम साहब कुछ ना कहें, शायद कल को दे देंगे। वो जब बात साफ ही हो गई कि उनकी हुकूमत ही नहीं चाहती, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ाना यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि भी पैदल हज यात्री कहाँ पहुँचा, यात्री 15 दिन से रुका हुआ है, तो क्या वहाँ की भी सरकार को पता नहीं कि हज यात्री रुका हुआ है? इसका मतलब हुकूमत का मंशा पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो भारत के अंदर एम्बेसी है, इनका बजात खुद मंशा शामिल है, ये नहीं चाहते कि एक भारतीय मुसलमान को हज का पैदल यात्रा का वीज़ा दिया जाए। चल कोई बात नहीं, मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन सभी दुनिया भर के मुसलमानों को ये बताना था कि शाह भाई की जो देर हो रही है वो पड़ोसी मुल्क की बद्दयानती की वजह से, बेईमानी की वजह से हो रही है, और आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह देर ज़रूर है, अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह शहाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की पाक धरती के ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वाखुर दावा।